नमस्कार, मैं राजेश सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला मुख्यालय के 5 बड़े व्यापारियों पर पुलिस सुरक्षा बल की उपस्थिति में आयकर विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। जिला मुख्यालय में संचालित आहूजा ट्रेडर्स, के ट्रेडर्स, घनश्याम ट्रेडर्स, राजकुमार ट्रेडर्स सहित के बियर हाउस कारपोरेशन पर आयकर विभाग की 45 सदस्य ने छापा मारा। एक ही समय में प्रतिष्ठित व्यापारियों के अलग अलग स्थानों पर छापामारी कार्रवाई की गई। व्यापारियों को अंदाजा भी नहीं था कि आयकर विभाग की टीम अचानक पहुंच जाएगी जिले में। इसके पहले भी कुछ व्यापारियों के संस्थानों पर आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। वहीं आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा 12 घंटे तक चली कार्रवाई पूरी होने के बाद कार्रवाई के संबंध में मीडिया को कुछ भी बताने से बचते नजर आए और बाइट देने से मना किया। अपने वरिष्ठ अधिकारियों का हवाला देते हुए मीडिया से रूबरू नहीं हुए। वहीं आयकर विभाग द्वारा जानकारी न देने के कारण मीडिया के हाथ खाली रह गए। गौरतलब है कि आयकर विभाग द्वारा की गई लीगल छापामारी कार्रवाई थी, लेकिन ऐसी कौन सी वजह थी कि जिसे आयकर विभाग ने मीडिया से छुपाने के प्रयास में लगे रहे। मीडिया दोपहर से लेकर 12 बजे रात तक कार्रवाई स्थल पर मौजूद रहा, लेकिन आयकर विभाग ने अधिकारी समय समय पर जानकारी देने का आश्वासन देते हुए देर रात शहर से रवाना हो गए। हर साल साल में इनको पूरा लेखा जोखा आयकर विभाग लेती रहती है, जिसके द्वारा भी सही लेखा जोखा नहीं प्रस्तुत किया जाता है, आयकर विभाग उसके ऊपर नजर रखे रहती है और उसके बाद उसके ऊपर छापा डालती है। सवाल उमरिया में ये उठ रहे हैं कि आयकर विभाग के द्वारा जो छापा डाला गया, ये तो बहुत अच्छा काम था, लेकिन उसके बाद उनको क्या सफलता मिली? उमरिया के व्यापारियों के द्वारा क्या कोई गलत काम किया जा रहा था या नहीं किया जा रहा था, ये आम जनता में सवालिया निशान बना हुआ है। इसलिए मेरा ये कहना है कि उनको कम से कम मीडिया को बुला करके पूरी बात का खुलासा करना चाहिए। उमरिया में जो बड़े बड़े प्रतिष्ठान हैं और आयकर विभाग वालों का बहुत पहले से नज़र थी उसमें। विगत दिनों सुनने में आया है कि वहाँ छापा मार के कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई की गई है अभी विस्तृत चर्चा नहीं है। और आयकर विभाग वालों ने पत्रकारों से ऐसा बताया था कि कार्रवाई पूरी करके और जो जानकारी होगी आपको बताएंगे, पत्रकार लोग बताएंगे कि उसमें क्या कार्रवाई हुई। पेश है उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।